आज से मोदी 3.0 का पहला बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। 12 अगस्त तक चलने वाले इस बजट सेशन में 19 बैठकें होंगी। आज आर्थिक सर्वे आएगा और कल देश का बजट आएगा। इसी सत्र में 6 बड़े विधेयक भी आने वाले हैं, लेकिन सवाल यही है कि इस बजट सत्र में कितना काम हो पाएगा। कावड़ रूट पर नेम प्लेट, नीट का मुद्दा, यूजीसी, लोकसभा में डिप्टी स्पीकर और महंगाई जैसे मुद्दों पर विपक्ष ने जिस तरह से सरकार को घेरने की तैयारी की है, उसे देखते हुए ऐसा लगता है कि इस बार भी संसद से हंगामे की तस्वीरें ज्यादा आएंगी, चर्चा की कम। वहीं आज सावन का पहला सोमवार भी है। कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है। वाराणसी से लेकर उज्जैन तक शिव मंदिरों में आधी रात से लंबी लंबी कतारें दिख रही है। बोल बम के नारों के साथ कांवड़ियों का जत्था निकल पड़ा है। इस बार पूरे कांवड़ मार्ग पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार के आदेश का असर साफ दिखाई दे रहा है। रास्तों में जगह जगह दुकानों में दुकानदारों के नाम की पर्चियां लगाई गई हैं। वहीं नेम प्लेट विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है। एक एनजीओ के अलावा टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक नहीं बल्कि कई याचिकाएं दायर की गई है। एक याचिका टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की ओर से दायर की गई। इसमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार की तरफ से कांवड़ रूट पर नेम प्लेट लगाने के आदेश को चुनौती दी गई है। याचिका में यह कहा गया है कि यह निर्देश जो है मनमाने तरीके से लिया गया है, यह आदेश कई संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। वहीं दूसरी याचिका जो दायर की गई है वो प्रोफेसर अपूर्वा नंद और आकार पटेल की ओर से दाखिल की गई है। इस याचिका में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार का निर्देश मुसलमानों को प्रभावित करने वाला है और टचबिलिटी की प्रथा को समर्थन देने वाला है, मुसलमानों के अधिकारों को प्रभावित करता है और अनटचबिलिटी की प्रथा का समर्थन करने वाला आदेश है। तीसरी याचिका एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की तरफ से यानी कि एनजीओ की तरफ से दायर की गई है। इस याचिका में एक ही बात दोहराई गई है, यूपी और उत्तराखंड सरकार के फैसले को चुनौती है। दुकानों पर नाम लिखने के आदेश को गलत बताया गया है। अब लिस्ट में ये 3 मामले हैं। 20 जुलाई को दायर एनजीओ की याचिका को आज सुनवाई के लिए लिस्ट किया गया था। याचिका में यूपी सरकार के फैसले को रद्द करने की मांग की गई है। कांवड़ मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। योगी सरकार के फरमान पर बवाल भी मचा हुआ है, लेकिन सड़कों पर यह दिखाई भी दे रहा है। एक तरफ बवाल नाम को लेकर है, दूसरी तरफ बवाल और संग्राम आज संसद में भी दिखाई देगा। हंगामा भरपूर हो सकता है। आज से संसद के मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है। इस दौरान कांवड़ विवाद पर संसद में हंगामा होने के पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं। विपक्ष ने यह साफ कर दिया है कि वो संसद में कांवड़ यात्रा के रूट पर दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का फैसला उठाएगा। विपक्षी दलों ने सरकार से फैसला वापस लेने की मांग की है। सरकार के लिए मुश्किल ये है कि इस फैसले के विरोध में केवल विपक्ष से ही नहीं बल्कि एनडीए से भी आवाज उठ रही है। मसलन जयंत चौधरी के साथ साथ एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने सरकार से फैसला लेने की मांग की है। मामला यूपी सरकार से जुड़ा हुआ है। इस पर केंद्र सरकार संसद में क्या जवाब देती है और इस मुद्दे से कैसे निपटती है, इससे ये तय होगा कि संसद में आज कितना कामकाज होगा और कितना हंगामा होगा। वैसे आज दोपहर सदन में इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाना है, तो कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करेंगे। ये निर्मला सीतारमण का बतौर फाइनेंस मिनिस्टर, बतौर वित्त मंत्री ये 7वां बजट होगा। संसद का मौजूदा सत्र 12 अगस्त तक चलने वाला है और इस दौरान 6 अहम बिल पेश किए जाएंगे। मौजूदा संसद सत्र में जम्मू कश्मीर का बजट भी पास होना है। कांवड़ यात्रा के मुद्दे पर विपक्ष हमलावर दिख रहा है, लेकिन सरकार ने भी यह साफ कर दिया है कि वो किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। संसदीय मामलों के राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कहा है कि संसद चलाना सभी की जिम्मेदारी है। विपक्ष के ये कर्तव्य है कि वो विकसित भारत का सपना पूरा करने में सरकार का सहयोग करे। कल हमारी ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, उसमें विपक्ष के सारे मुद्दे जो उन्होंने बताए थे हमने नोट डाउन किए हैं।
अब ये लोकसभा में माननीय स्पीकर पर, स्पीकर साहब जैसा तय करेंगे चर्चा के दिन और समय, और राज्यसभा में माननीय चेयरमैन साहब जैसा तय करेंगे, सरकार चर्चा के लिए तैयार है। एक तो मुद्दा ये है जी। दूसरा, जैसे राजनाथ सिंह जी ने कल ही कहा कि हाउस चले ये सबकी जिम्मेदारी है और सत्ता पक्ष निश्चित रूप से चाहेगा कि हाउस चले, ये बजट सत्र है तो अच्छी चर्चा होगी, तो निश्चित रूप से जो हमने विकसित भारत बनाने का लक्ष्य लिया है उसमें सभी मिलकर के काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। ये बात हुई थी जी सर, ऑपोजिशन कांवड़ यात्रा को लेके जो है हीटअप हो रही है, कह रही है हम लोग कल भी ये मुद्दा आया था चर्चा में। थैंक यू। अब बजट सत्र सुचारू ढंग से संचालित हो इसे लेकर कल सरकार की ओर से एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी और सरकार ने सदन चलाने के लिए विपक्ष से सहयोग की भी मांग की, लेकिन इस दौरान विपक्षी दलों ने साफ कर दिया कि उनके एजेंडे पर क्या मुद्दे हैं। अभी आपने अर्जुन राम मेघवाल को सुना, उन्होंने क्या कहा कि कल भी ये मुद्दा आया था और फिर उन्होंने धन्यवाद कर दिया, यानी कि सरकार ये जानती है कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिससे सरकार की परेशानियां बढ़ सकती हैं। इस संसद सत्र में कांवड़ यात्रा, नीट पेपर लीक का मुद्दा और लोकसभा डिप्टी स्पीकर का मुद्दा जोर शोर से विपक्ष उठाएगी, और कांग्रेस ने बैठक के दौरान लोकसभा के डिप्टी स्पीकर का मुद्दा उठाया भी। सरकार से मांग की कि डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को मिलना चाहिए। लगभग सभी विपक्षी दलों ने कांग्रेस की इस मांग का समर्थन किया है। वहीं जेडीयू और वाईएसआर कांग्रेस ने बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर दी है। जेडीयू ने कहा कि अगर बिहार को विशेष राज्य के दर्जे में कोई दिक्कत आती है तो फिर ऐसी परिस्थिति में बिहार को विशेष पैकेजेस दिया जाए। हमारे सहयोगी देवेंद्र पराशर इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, देखिए एक मसला नहीं है, ऐसे कई सारे मसले हैं। पहले तो हम सरकार की चुनौती की बात कर लें, वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिस पर सरकार घिर सकती है? निश्चित तौर पर चाहे नीट के मामले की बात कर लें या फिर कांवड़ यात्रा को लेकर ही जो विवाद खड़ा करने की कोशिश की जाएगी, हंगामा खड़ा करने की कोशिश की जाएगी, हालांकि उसका पार्लियामेंट से और केंद्र सरकार से कोई लेना देना नहीं, वो एक राज्य सरकार का फैसला है, लेकिन जाहिर तौर पर अपोजिशन के जो सांसद हैं खासतौर पर समाजवादी पार्टी इस पर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है और वो हंगामा करेंगे। जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से आतंकी घटनाएँ लगातार हो रही हैं उसको लेकर सरकार के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी, तो कई सारे ऐसे मसले हैं जिनको लेकर केंद्र सरकार के ऊपर अपोजिशन के द्वारा दबाव बनाने की कोशिश होगी। लेकिन सरकार की मंशा ये रहेगी कि चाहे जो भी मुद्दा हो उस पर डिबेट हो, सदन के अंदर चर्चा हो। आमतौर पर आप देखते हैं कि जब किसी इशू को बड़ा करना होता है तो अपोजिशन चर्चा के बजाय उसको हंगामा करना उसको ज़्यादा मुफीद लगता है, ताकि हंगामा के चलते अगर सदन की कार्रवाई बाधित होती है तो फिर लोगों का ध्यान ज़्यादा उस पर जाता है, वो मुद्दा ज़्यादा चटक रूप में लोगों के दिमाग में बैठ सकता है, ऐसा अपोजिशन के नेता सोचते हैं। और आमतौर पर किसी भी अपोजिशन के दल पर ये बातें लागू होती है। अभी मौजूदा दौर में वो चीज़ पूरा ही टप करने की कोशिश की जाएगी। डिप्टी स्पीकर को लेकर ऑलरेडी अपोजिशन बार बार इस बात को कह रहा है और कल ऑल पार्टी मीटिंग में भी कहा। कल आपने देखा कि जयराम रमेश किस प्रकार से ऑल पार्टी मीटिंग में मौजूद थे, जब चीज़ों को बैठक के दरमियान ही उन्होंने सार्वजनिक करना शुरू कर दिया था तो सत्ता पक्ष किस प्रकार से नाराज हुआ। तो अगर सदन चलाने के लिए ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जा रही है और वहाँ पर इतना गतिरोध नजर आ रहा हो तो हंगामा समझा जा सकता है कि जब सदन चलेगा तो हंगामे की कैसी तस्वीर देखने को मिल सकती है। ये बात तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और जब हंगामे की बात आती है, राष्ट्रपति के अभिभाषण में जब ठीक तरीके से चर्चा नहीं हो पा रही थी तो अब तो बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। हाँ, इकोनॉमिक सर्वे को लेकर क्या जानकारी अभी तक आपके पास आ रही है? आज तकरीबन 12:15 के आसपास इकोनॉमिक सर्वे रखा जाएगा जिससे देश के इकोनॉमी की तस्वीर एक देखने को मिलेगी। 11:15 क्वेश्चन आवर होगा, उसके बाद फिर कुछ पेपर ले किए जाएंगे, फिर लोकसभा में 12:15 के आसपास 12:15-12:20 के आसपास इकोनॉमिक सर्वे रखा जाएगा, राज्यसभा में 2 बजे के बाद उसको रखा जाएगा उसको, और इकोनॉमिक सर्वे के आधार पर एक झलक समझ में आ सकती है कि आखिर सरकार की जो वित्तीय स्थिति है वो किस प्रकार की है और आगे जो बजट आने वाला है वो बजट कैसा होगा। क्योंकि इस बजट को भी लेकर देखें तो बहुत सारी उम्मीदें जताई जा रही हैं, क्या मिडिल क्लास को कोई राहत दी जाएगी, राहत इस लिहाज से कि निजी उपभोग जो है उस पर जो खर्च होता है वो कम हुआ है, और ऐसे में सरकार की मंशा हो सकती है कि ज़्यादा पैसा लोगों के हाथ में आप दें
ताकि लोग खर्च कर सकें जिससे इकॉनमी को बूस्ट मिले, तो उस पर एक नजर टिकी रहेगी। देखिए देवेंद्र, आप उम्मीदों को परवान तो दे रहे हैं अपनी इस बात को लेकर, लेकिन मिडिल क्लास अक्सर जो है वो मिडिल में ही झूलता हुआ रह जाता है। अब हाथ कितना आता है ये देखने वाली बात होगी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। इधर समाजवादी पार्टी की तरफ से रामगोपाल यादव ने कांवड़ यात्रा पर यूपी सरकार के फैसले का मुद्दा उठाया है। रामगोपाल यादव ने आरोप लगाया है कि सरकार मुसलमानों के साथ भेदभाव कर रही है, तो असदुद्दीन ओवैसी ने योगी सरकार के फरमान को नफरत की निशानी करार दिया है। एक तो कांवड़ वाला मुद्दा है, नाम वाला, इसमें मुसलमानों को सीधे सीधे टारगेट करने की कोशिश है और बहुत खराब काम है। इस देश में जो धर्म निरपेक्ष देश है, संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता, वो सरकार ही काम कर रहा है। कांवड़ के मुद्दे की अगर हम बात करें तो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि यूपीए के कार्यकाल में 2006 में भी इस तरह का सर्कुलर आया था, ये कोई नई बात नहीं। क्या ये किसी ने सुना, देखा, जाना, जनता से लेके पत्रकारों से लेके जनप्रतिनिधियों तक? नोबडी नोज इट। तो अगर घर में किसी के रखा हो तो रखा होगा, लेकिन उसमें गलत देश में, अच्छा उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में इसकी प्रतिक्रिया है। इस तरह से जो ऑर्डर निकाल कर आर्टिकल 17 का वायलेशन है, संविधान का अनटचेबिलिटी को प्रमोट कर रहे हैं, राइट टू लाइफ के खिलाफ है, आप लाइवलीहुड के खिलाफ है, आर्टिकल 19 के खिलाफ है, और ये आप होते कौन है भाई? आप किस बुनियाद पर ऑर्डर निकाल? और आपके ऑर्डर निकालने से मुजफ्फरनगर इतने ढाबे में मुस्लिम एम्प्लॉयज को निकाल दिया गया है, जो मुसलमान के ढाबे थे वहाँ कोई जा नहीं रहा है खाना खाने के लिए। अब ये कहाँ रुकेगा? कल कोई मुसलमान बोलेगा रमज़ान में 30 दिन रोज़े रखता हूँ, 15 घंटे में पानी नहीं पीता हूँ, पानी मत पिलाइए किसी को, ऐसा कर सकते क्या आप? और किस बुनियाद पर आप KFC को मैकडोनल्ड से इतनी मोहब्बत कैसा हो गई आपको, उनको कहा जा रहा है क्या? तो ये सिर्फ नफरत की निशानी है। कांवड़ यात्रा के रूट पर दुकानदारों को अपनी दुकान के सामने नेम प्लेट लगाने के फरमान पर विपक्ष इस वक्त बिफरा हुआ है, लेकिन NDA में भी शामिल कई दल ऐसे हैं जो इस मुद्दे पर अपनी नाराजगी जता चुके हैं। JDU की बात कर लें, चिराग पासवान की पार्टी, LJP की बात कर लें, जो इस मुद्दे पर खुलकर अपनी राय जाहिर कर रहे हैं। अब RLJ के नेता जयंत चौधरी ने भी इस मुद्दे पर अपनी आवाज बुलंद की है। जयंत चौधरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बिना सोचे समझे इस फैसले को लागू कर दिया, तो NCP नेता और केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल ने भी यूपी सरकार को अपने फैसले पर पुनर्विचार की नसीहत दी। कोई इस हिसाब से जाति या धर्म के पहचान करके सेवा नहीं लेता और ना ही इस मामले को धर्म जाति से जोड़ा जाना चाहिए। सब प्रतिष्ठान अपना नाम लिखे हैं, अब एक मालिक कोई और हो सकता है, ब्रांड कुछ और हो सकता है, मैकडॉनल्ड्स क्या लिखेगा, खतौली में बर्गर किंग क्या लिखेगा? पुराने ब्रांड हैं, किसी के नाम हो सकते हैं, एक मालिक नहीं कई मालिक हो सकते हैं, तो कंपनी के नाम हो सकता है। मुझे लगता है ज्यादा समझ के फैसला नहीं लिया, फैसला ले लिया तब उस पर टिक रहे हैं। कभी 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 ऐसा हो जाता है सरकार, अभी भी समय हो जाना चाहिए या इस पर ज्यादा कोई जोर ना दिया जाए। देखिए कांवड़ यात्रा पे इस तरह से पहली बार जो ये इस तरह से जो भी कदम उठाए गए हैं, मैं समझता हूं कि इसमें संशोधन करने की जरूरत है और यूपी की सरकार ने भी इस मामले में ये जो उन्होंने कदम उठाया है इसको वापस लेने की जरूरत। उत्तर प्रदेश में दुकान के बाहर नेम प्लेट लगाने को लेकर घमासान है। यूपी सरकार के फैसले को लेकर समाजवादी पार्टी लगातार हमलावर है। अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद ने इस आदेश को देश को बांटने वाली साजिश बताया। समाजवादी पार्टी सांसद ने कहा कि वो सदन में इस मुद्दे को उठाएंगे। अयोध्या से सांसद अवधेश जी हमारे साथ मौजूद है। अवधेश जी, जो कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई है उससे पहले हम देख रहे हैं कि नामों को लेकर बड़ी राजनीति हो रही है। योगी सरकार ने कहा कि नाम लिखिए, कौन हिंदू है, कौन मुसलमान, फिर कांवड़ यात्री तय करेंगे किससे खरीदना है। ऐसा है, कांवड़ यात्री ये कोई नया कार्यक्रम नहीं है, बहुत पहले से ही कांवड़ यात्री चलते हैं, हम लोग भी स्वागत करते हैं और पवित्र मन से पवित्र भाव से चलते हैं यात्री, गंगा जल लेकर चलते हैं, जगह जगह पर हम लोग स्वागत करते हैं, मुस्लिम लोग भी स्वागत करते हैं, हिंदू लोग भी करते हैं, सब स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन इधर उत्तर प्रदेश की सरकार
जो योगी जी के नेतृत्व में चल रही है उसने ऐसा कर दिया है कि जिससे एक बहुत बड़ी साजिश है देश को समाज को बांटने की। ये देश ये समाज किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये सबका है, और ये बात न समझी गई तो नुकसान सबका है। आज से सावन के महीने का शुभारंभ हो गया है और इसके साथ ही कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत हो गई है। हरिद्वार से लेकर बनारस तक, प्रयागराज और झारखंड के देवघर तक लाखों शिव भक्त पवित्र जल लेने के लिए निकल चुके हैं। सड़कों पर बोले बम के जयकारे गूंज रहे हैं। सावन माह के पहले सोमवार के मौके पर सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु मंदिरों में अपने आराध्य की पूजा करने पहुंचे हैं। झारखंड के देवघर के बैद्यनाथ धाम मंदिर से लेकर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर तक में भक्तों का रेला लगा हुआ है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा की खास तैयारी की गई है। कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है। कांवड़ यात्रा का केंद्र बिंदु हरिद्वार का उत्तराखंड होता है। ऐसे में यात्रा का केंद्र बिंदु हरिद्वार भी, जहां उनकी सुरक्षा को देखते हुए गढ़वाल क्षेत्र के चार जिलों को 176 अलग अलग सेक्टर्स में बांटा गया है। कुल 21 सुपर जोन तैयार किए गए हैं, 54 जोन बनाए गए हैं। हरिद्वार में सबसे ज्यादा 14 सुपर जोन तैयार किए गए हैं। हरिद्वार से कांवड़ लेकर लौटने वाले शिव भक्तों के लिए यूपी का मुजफ्फरनगर सेंटर प्वाइंट होता है। यहाँ सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। योगी सरकार के आदेश के बाद इन रास्तों में पड़ने वाली सभी दुकानों पर दुकानदारों के नेम प्लेट लग गए हैं। योगी का ये आदेश कांवड़ियों को कैसा लग रहा है, यूपी उत्तराखंड बॉर्डर से अतुल भाटिया की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। हरिद्वार से श्रद्धालु कांवड़ लेकर आ रहे हैं और ये आप देख सकते हैं, ये जो रुड़की से दिल्ली की तरफ जो हाईवे जाता है वहां पर किस तरीके से कांवड़िया जो है वो कांवड़ लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि बकायदा जो कांवड़िया थक जाते हैं वो बकायदा यहाँ पर रुकते हैं, विश्राम करते हैं, कुछ खाते पीते हैं और उसके बाद अपने अपने जो भी गंतव्य है उसके लिए आगे निकल जाते हैं। और ये आप देखेंगे शिव कांवड़ पैदल यात्रा हरिद्वार से गुजर घटा रेवाड़ी, हरिद्वार तो रेवाड़ी तक जो है ये हरियाणा तो रेवाड़ी तक जो है वो ये लोग जाएंगे। बकायदा इनका ये छोटा टेम्पू है। कांवड़िया जो है वो यहाँ पर है, आराम कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? रवि। रेवाड़ी से आए हैं आप लोग? हाँ सर। सरकार ने ये इस बार इंतजाम किए हैं कि कांवड़ियों कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए बकायदा जो ढाबे हैं, रेस्टोरेंट हैं, उनमें नाम बकायदा लिखे होने चाहिए कि किसका ढाबा है, किसका रेस्टोरेंट है, ताकि जो लोग कांवड़ लेकर जा रहे हैं उनको किसी तरीके कोई दिक्कत ना हो। आपको लगता है कि अच्छा कदम है सरकार का? अच्छा कदम है सर। तो वैसे आपको लोगों को खाने पीने में कोई दिक्कत होती है जब आप कांवड़ लेकर जाते हैं? ना ना कोई दिक्कत नहीं होती। आपका क्या नाम है? मंजीत नाम है जी। आप रेवाड़ी से आए? जी। सरकार ने एक कदम उठाया कि जो ढाबे रेस्टोरेंट है बकायदा उनमें नाम लिखे होने चाहिए कि वो कौन लोग हैं, किन कौन रेस्टोरेंट चला रहे हैं। तो आपको लगता है कि अच्छा कदम है सरकार का? नहीं, अच्छा कदम है, योगी सरकार ने अच्छा काम कर रखा है। यूपी में कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरीके की, कोई कांवड़िया के लिए बहुत सेफ्टी है। पुलिस भी गश्त मारती है रात में, दिन में, हम खूब रात में चलते हैं ज्यादा से ज्यादा, कोई दिक्कत नहीं किसी तरीके की। आपको लगता है कि जो नाम भी सरकार ने कहा है कि जिन ढाबे हैं, रेस्टोरेंट है, उनके बकायदा नाम बाहर लिखे होने चाहिए, क्योंकि कई बार हमने देखा कांवड़ी को मुस्लिम ढाबों के आगे से निकलने में बड़ी दिक्कत होती थी, तो ये भी एक अच्छा कदम है? देखो ऐसा होता है कि जो ये हम लोग कांवड़ लेके आ रहे हैं, बहुत हमारे आस्था का वो है कर्म, और इसमें हमें बहुत सारी चीजों का पालन करना होता है।